डरावनी रातें YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम पब्लिक डिमांड पर खास टॉपिक पर वीडियोस लेकर आते हैं। अगर आप कोई खास टॉपिक पर या किसी खास कहानी को सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, हम उसी टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो लेकर आएंगे। तो अब बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। हमारी आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है छत्तीसगढ़ से हमारे एक प्रशंसक ने। उन्होंने अपना असली नाम बताने से मना किया है, तो अब कहानी सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। हमारे यहाँ पर ज़्यादा शहर नहीं है और ज़्यादा आबादी गांव में निवास करती है। मैं भी यहाँ के एक छोटे से गांव में रहता हूँ और शहर जाने के लिए मैं बाइक का इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ आम तौर पर इसी तरह से साइकिल या बाइक का इस्तेमाल किया जाता है। मैं ज़्यादातर बाइक से शहर में किसी न किसी काम गया ही रहता हूँ और गांव वालों के भी मैं ही ज़्यादातर काम करता हूँ। रात के लगभग 9 बजे मैं घर की तरफ आ रहा था और रास्ते में हमारे एक ट्रेन की पटरी पड़ती है। वहाँ पर दिन में सिर्फ 2 बार ही ट्रेन गुजरती है और उस वक्त वहाँ पर फाटक लगे होते हैं, उसके सिवा वो रास्ता खुला ही रहता है। एक बार ट्रेन सुबह 12 बजे आती है और एक बार शाम के 6 बजे। उसके सिवा वहाँ पर फाटक हमेशा के लिए खुले रहते हैं। मैं रात के 9 बजे घर की तरफ आ रहा था तो मैंने देखा कि फाटक लगे हुए थे। मैं थोड़ा सा हैरान हुआ क्योंकि यहाँ पर इस समय फाटक कभी नहीं लगे होते। मैं बाइक से उतरकर देखने की कोशिश कर रहा था कहीं ये गलती के साथ तो नहीं हुआ, लेकिन मैंने देखा कि ट्रेन की पटरी पर कोई लेटा हुआ था। पहले तो मैंने ये सोचा कि कोई शराबी होगा, लेकिन उसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। वहाँ पर उस समय धुंध बहुत ज़्यादा थी और रोशनी भी एक तरफ से आ रही थी, इसलिए मुझे ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन वो थोड़ा सा आगे था इसलिए मुझे चलकर वहाँ पर जाना था। मैं ये सोच रहा था कि आखिर पटरियों पर कोई क्यों सो रहा है, इसका कारण क्या हो सकता है। मेरे दिमाग में कई सारे ख्याल आ रहे थे, लेकिन वो शराबी होगा इस बात को मैं मान चुका था। मैं जैसे ही उसके पास पहुंचा तो मैंने देखा उसके शरीर पर बहुत सारा खून लगा था। अब मैं थोड़ा सा घबरा चुका था। मुझे लगा कि यहाँ पर उसे किसी एक्सीडेंट का सामना ना करना पड़ा हो, हो सकता है वो यहाँ पर गिर गया हो। लेकिन इस तरह से फाटक क्यों लगे हुए हैं इसका जवाब मेरे पास नहीं था। मैंने अब अपने फ़ोन की लाइट जला ली थी और उसे देखने की कोशिश की। मैंने देखा कि वो कोई आदमी नहीं बल्कि एक औरत थी और उसने सफ़ेद रंग के शहर के कोई कपड़े पहने हुए थे। ये कोई छोटी सी ड्रेस लग रही थी, लेकिन उस ड्रेस पर बहुत सारा खून लगा हुआ था। मैं जल्दी से भागकर उसकी मदद के लिए पहुंचा और मैंने उसे उठाने की कोशिश की तो मैंने देखा कि उसका शरीर बीच से जैसे कटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर 2 हिस्सों में बटा हुआ हो। मैंने सोचा कहीं उसके ऊपर से ट्रेन तो नहीं गुजर गई। मैं थोड़ा सा डर रहा था। उसके चेहरे पर बहुत सारे बाल थे, लेकिन मैंने जैसे ही उसके चेहरे से बाल हटाए तो मैंने देखा कि वो जिंदा थी और हिल रही थी। उसकी आंखें खुली थी और वो मेरी तरफ देख रही थी। मैंने उसको इतना ही कहा, मैं जल्दी तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ, तुम ठीक हो जाओगी। मैं घबराया हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर इतनी भी शिकन नहीं थी। मेरे दिमाग में तो ये ख्याल आ रहा था कि आखिर आधा कटने के बावजूद भी वो जिंदा कैसे थी। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बाजू पकड़ ली। अब उसने मेरी बाजू को इतनी जोर से पकड़ा था कि मैं भी थोड़ा सा डर रहा था। आखिर इस तरह से कटने के बाद भी उसमें इतनी जान कैसे हो सकती है। एक तो यहाँ पर इतना अंधेरा था, ऊपर से धुंध, मैं थोड़ा घबरा गया था। मैंने एक झटके से उससे अपनी बाजू को छुड़वाया और मैं थोड़ा सा दूर आ गया। मैं देख रहा था कहीं वो कोई और तो नहीं, कहीं मेरे साथ लूटपाट का कोई प्लान तो नहीं बनाया गया। लेकिन तब मैंने देखा कि वो अपने 2 हाथों से ही जैसे चलकर मेरी तरफ आ रही थी। मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था। ये कैसे हो सकता है, कोई कटने के बावजूद भी यहाँ पर चल कैसे सकता है। वो बड़ी ही तेज़ी के साथ मेरी तरफ भागती आ रही थी
और मैं डर के मारे जल्दी से बाइक स्टार्ट करके शहर की तरफ ही मुड़ गया था। मुझे गांव की तरफ नहीं जाना था क्योंकि वहां पर फाटक बंद थे। मैं वहां से आगे नहीं जा पाता, इसलिए मैं शहर की तरफ ही चल आया। मैंने काफी दूरी तक उसे जैसे पीछे भागते हुए देखा। वो अपने पंजों के सहारे आधी कटी हुई मेरी तरफ भाग रही थी। वो जैसे धुंध में गायब सी हो गई। मैंने बाइक की स्पीड बहुत ही तेज की हुई थी। मैंने उसे शहर आने तक धीमा किया ही नहीं। मैं शहर में पान वाले चाचा को जानता था और मैं सीधा उनके घर चला गया। मुझे इस तरह से डरे घबराए देखे हुए चाचा ने भी मुझे वहां रहने दिया। अगली सुबह वहां पर कई लोग आ गए थे और उन्होंने मुझे बताया कि कई लोगों को वहां पर एक आत्मा नजर आती है। लगभग 3 साल पहले वहां पर एक औरत कटकर मर गई थी। तब से लोगों को वो वहीं पर नजर आती है। कहते हैं कि कोई कोई होता है जिसको वो नजर आती है, लेकिन जिसको भी वो नजर आती है वो जैसे उसको मारने की कोशिश करती है। कोई कहता है कि वो हादसे से मर गई थी, तो कोई कहता है वो प्यार में पागल थी और उसने खुदकुशी कर ली थी। मुझे इसकी सच्चाई कभी पता नहीं लगी, लेकिन उस रात मैं जिंदा बच गया था। मुझे इसी बात की बहुत ज्यादा खुशी थी। हमारे गांव जाने का वही रास्ता है, इसलिए अब भी मुझे वहीं से गुजरना पड़ता है, लेकिन रात के वक्त मैं कभी उस रास्ते से अकेला नहीं जाता।